Therefore, there is danger. So, that is very comfortable and willing. ठाकुर जी, श्री राजू भैया, भाई जोशी जी, कांति भाई खरदी जी और मंच पर विराजमान सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। अभी मुझे माँ अम्बा जी का एक चित्र दिया गया, इसलिए शायद उचित रहेगा एक बार सभा शुरू करने से पहले मेरे साथ माँ अम्बा जी की जोर से एक बार। केसरिया थी मन जोगी थयू रे, दिल झूमे जुओ मत मस्त थयू रे। केसरिया थी मन जोगी थयू रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल, बोलो जुबान केसरी। जय कहिए माँ अम्बा जी की, माँ नडेश्वरी जी की और गेड़ा हनुमान जी की जय। देखिए, ये गुजरात की धरती है, यहाँ से इस दुनिया के सबसे शायद इस पूरी हमारी जो पीढ़ी है और इससे पहले की पीढ़ियाँ, उसमें शायद दुनिया की सबसे महान हस्ती आपने, गुजरात ने इस दुनिया को दी। महात्मा गांधी जी यहाँ पे जन्मे। श्री सरदार पटेल जी भी गुजरात के ही पुत्र थे। वीर रणछोड़ रबाड़ी जी भी इसी धरती के थे। ये सारे महापुरुष किस लिए लड़े? ये सारे महापुरुष आपकी आजादी के लिए लड़े। ठीक है, ये पुरानी बात है, 70 साल निकल गए, बीत गए, हमारा देश आजाद है, स्वतंत्र है, हमारे देश में एक संविधान बना, इसी लड़ाई से उभरा। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने बड़े बड़े महापुरुष रहे, चाहे पटेल जी हों, चाहे गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सब ने लड़कर, ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर हमारे देश को आज़ाद करवाया और हमें एक संविधान दिया। ये संविधान जो उन्होंने हमें दिया, इसका महत्व आपको समझना पड़ेगा। आज बहुत ही ज़रूरी है कि आप कुछ मूल बातें, जो गहरी बातें हैं हमारे देश की राजनीति के बारे में और अपने जीवन के बारे में, आप ठीक ढंग से समझें, ताकि जो निर्णय आप लेने जा रहे हैं चुनाव में, वो आप सोच समझ के और सारी जानकारी लेके लें। जब हम संविधान की बात करते हैं, खास इसलिए हम आज ये बात उठा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के कई नेताओं ने, जो चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ मंत्रियों ने, देश भर में जो घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा फिर से जीतेगी तो संविधान बदला जाएगा। तो बड़ी